तो यार आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एलजी से रिलेटेड और दूसरा टॉपिक है गूगल से रिलेटेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आने वाली फ्यूचर में कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एलजी के बारे में। तो एलजी ने अभी रिसेंटली अपने दो टीवी लॉन्च किए हैं जो दुनिया के पहले 8K रिजोल्यूशन वाले टीवी होंगे। और जो 8K रिजोल्यूशन है वो अगर आप नॉर्मल फुल एचडी की बात करें तो फुल एचडी से उसका रिजोल्यूशन 16 गुना ज़्यादा होगा 8K टीवी का। और इसकी जो प्राइस रेंज है उसको देख के थोड़ा सा मेरा भी सर भन्ना गया। जो पहला टीवी है वो एलजी सिग्नेचर Z9 सीरीज़ की है जो 88 इंच OLED पैनल के साथ आएगा। और इसकी जो कीमत है वो है $42,000 यानी कि लगभग 29 लाख रुपये से कुछ ज़्यादा। इतने में तो शायद हमारे यहाँ पे 2BHK फ्लैट आ जाता है। और खैर जो दूसरा टीवी है वो है Nano 9 सीरीज़ का है, वो है 75 इंच के OLED पैनल के साथ और उसकी कीमत जो है वो है $34,000 यानी कि लगभग 23 लाख रुपए। और ये जो टीवी है अभी फ़िलहाल इस महीने यूरोप और अमेरिका में मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको वर्ल्ड वाइड ये किसी भी और कंट्री में दिसंबर या उसके बाद ही मिलने शुरू होंगे। फ़िलहाल के लिए यूरोप और अमेरिका में है। अगर आपको मंगवाने हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इम्पोर्ट करवा सकते हैं। खैर चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है गूगल की तरफ से। देखिए गूगल, आपको पता होगा कि एंड्रॉयड 10 लॉन्च हो चुका है और जिसको लॉन्च के टाइम पे जब उसका ट्रायल चल रहा था तो उस टाइम एंड्रॉयड क्यू के नाम से जाना जा रहा था और मैंने उसका एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो उस टाइम बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था कुछ यूज़र्स के लिए, जो बीटा वर्जन होता है उसमें मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया है क्या बीटा वर्जन होता है, IO क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो एंड्रॉयड 10 जो अभी फ़िलहाल लॉन्च हो गया है तो वो सबके लिए लॉन्च नहीं हुआ है और ये एक बुरी खबर है। वो केवल अभी पिक्सल सीरीज़ के लिए, गूगल की जितनी पिक्सल सीरीज़ है जो उसके लिए लॉन्च हुआ है। मतलब अगर कोई और कंपनी गूगल के पास जा रही है एंड्रॉयड 10 खरीदने के लिए तो गूगल उसको साफ साफ कह दे रहा है कि ये प्लॉट अभी बिकाऊ नहीं है। तो खैर यार गूगल पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, किसी और कंपनी को अभी नहीं दे रही है एंड्रॉयड 10। तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने खुद डेवलप किया है तो वो उनकी मर्जी है, वो किसी को दे ना दे। लेकिन अगर वो ऐसा सोच के कर रही है कि एंड्रॉयड 10 अगर हम अभी किसी और को नहीं देंगे तो शायद कोई नया फ़ोन लेने वाले गूगल पिक्सल सीरीज़ की तरफ जाएगा ख़रीदने के लिए, तो ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम चांस है ऐसा होने के। देखो यार ये बात तो सब जानते हैं कि जिन भी कंपनीज़ की स्मार्टफोन में जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ होता है गूगल का, उसमें भी एंड्रॉयड का 10th वर्ज़न एंड्रॉयड 10 आना ज़रूर है, चाहे थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो हम इस थोड़ा सा वेट कर सकते हैं वजह इसके कि हम पिक्सल सीरीज़ की तरफ जाएं। तो बस यार ये दो छोटी सी अपडेट्स थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।